तो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हैं ऑटो सर्जन। आज मैं आपके पास एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूँ जिसको हम बोलते हैं ना यार एमपीवी बोलते हैं, टोयोटा इनोवा है ये, 2012 मॉडल है, डीजल। तो बोलते हैं यार कि गाड़ी को आप मेंटेन करके रखना चाहिए, गाड़ी को ऐसा है वैसा है, बहुत पैसा लगता है, ये लगता है वो लगता है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो टोटली मेंटेन्ड है, स्क्रैच लेस है, और 12 से मतलब आपको हो गया होगा इसमें 9 साल हो गया, 9, 10, 11, हाँ 12 से लेंगे, 21 चल रहा है तो 9 साल इसको हो चुके हैं, टोटली मेंटेन गाड़ी रखी हुई है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग। तो बनी रहिएगा वीडियो के एंड तक, चलते हैं इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए। तो दोस्तों, मैं क्या इसकी तारीफ़ करूंगा इस गाड़ी के बारे में, हम इनके ओनर से जाके पूछेंगे। मेरा भाई, मेरा दोस्त है सोनराज, इनका नाम है, और इनसे डायरेक्टली हम जाके एक दूसरे इनसे बात करेंगे और बोलेंगे यार ये, पूछेंगे सारी चीज़ें कि क्या है क्या नहीं इस गाड़ी के बारे में। और आपकी भी कुछ कमेंट्स में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमसे बताइएगा, मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पहले पूछते हैं भाई, आपका नाम क्या है, दोबारा बता दो। भाई मेरा नाम सोनराज गौड़ है, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, और ये हमारी फैमिली की पहली और सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से एक निकली है जिसको हम इनोवा कहते थे, और आज भी ये लेगेसी है। इंजन के मामले में, कंफर्ट के मामले में, ड्राइविंग के मामले में टोयोटा ने ऐसी खूबसूरत चीज़ बनाई है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लेगेसी आज से 10 साल पहले इसके कंफर्ट को लेके थी, उसी को इन्होंने कन्वर्ट करके क्रिस्टा बना दिया, आज भी वो लेगेसी मेंटेन है। तो भाई एक बात बताओ यार, चलो ठीक है लेगेसी क्रिएट है, तो यार इसको चेंज करके आप क्रिस्टा क्यों नहीं ले लेते? क्रिस्टा ले आओ यार उठा के। क्रिस्टा ले तो लेंगे, लेकिन क्या मतलब है, जब ये ऑलरेडी एक चीज़ ऑलरेडी इतनी खूबसूरत सी है तो उसमें लगाने का पैसा कोई सेंस नहीं है। वो भी लेंगे तो वो भी सेम है, जब ऑलरेडी हम पास एक है। मतलब यार ये बहुत ही तगड़े इनोवा के फ़ैन है, जो कि हम बोल सकते हैं एक अच्छी चीज़ है यार। मतलब टोयोटा अपना एक परचम बना के रखी है, लेकिन फिर भी टोयोटा की छोटी गाड़ियाँ नहीं बिच पाती। आपको क्या लगता है हैचबैक वगैरह में टोयोटा कितना अपना कारगर है, जैसे छोटी गाड़ियाँ हुई हैं उसमें कितना टोयोटा कारगर है यार, आपको क्या लगता है? टोयोटा कारगर तो है, लेकिन क्या है बेसिकली आदमी को अब एक जो कहते हैं ना शौकीन लोग होते हैं, उनको बड़ी एमपीवी वगैरह भी पसंद आती है, वीआईपी में लोग बड़ी गाड़ियों को प्रेफर करते हैं, छोटी गाड़ियों में इतना प्रेफर नहीं कर पाए, तो कह सकते हैं कि हाँ वो टोयोटा उस चीज़ में शायद उनको मेंटेन नहीं कर पाया जो इनोवा ने इस इनोवा में और फॉर्चुनर में मेंटेन करके रखा है। ठीक ठीक। तो यार ये आपने जब ली थी, आपका 2012 मॉडल है, आपको क्या प्राइसिंग क्या पड़ी होगी इस गाड़ी का? ये हमको ऑन रोड गाड़ी का प्राइस पड़ा था 13,58,000 रुपये, और आज की इस क्रिस्टा का मॉडल जो हो चुका है 24,28,000 रुपये, और शायद ही कोई होगा कि इस गाड़ी को कोई कम्पीट कर सका है, ना इसको भी और नई वाली क्रिस्टा को भी। तो यार बोल सकते हैं कि मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है जो प्राइसिंग में है, कहाँ 13 लाख हुए, कहाँ 24-25 लाख हुए। तो यार ये एक अगर चीज़ होगी, अगर सेकेंड हैंड भी मार्केट में होगी ये गाड़ी, तो यार सोनराज भाई ऐसे पूछेंगे सेकेंड हैंड अगर गाड़ी चाहिए 12 मॉडल, तो ये कितने में मिल जाएगी अपन को? चली हुई 50-60,000। इस गाड़ी की बेसिकली रनिंग तब मानी जाती है जब ये गाड़ी 1.5 से 2 लाख किलोमीटर के ऊपर चल चुकी हो, वरना ये तो अभी ये मान के चलिए 56,000 है, तो इस इंजन का अभी रिफाइनमेंट अभी 50% ही हुआ होगा, और जो कह सकते हैं कि हाँ ये गाड़ी इतनी अच्छी है 4 सिलेंडर इंजन में, 2.5 लीटर डीजल इंजन, शायद आपको इतना पावरफुल कंफर्ट के साथ मिल पाए बिना किसी वाइब्रेशन या बिना किसी एक नॉइस के साथ। तो इसका अगर हम पूछे मोटा मोटी एवरेज क्या देती है गाड़ी, एवरेज क्या होगा इस गाड़ी का? एवरेज तो मैं कहूँगा आप जो आज की डेट में जो आप नॉर्मल गाड़ियाँ उठा रहे हैं 12-13 लाख की क्रॉस मिड सेगमेंट वाली जो SUVs आ रही हैं, तो उससे तो बेटर ही है। इतना हैवी इंजन में आपको अगर 12-13 का एवरेज देती है ये गाड़ी, और सिटी में 9 से 10 का देती है, अगर आप हाईवे पर जाएंगे तो ये बेसिकली आपका 14 तक का एवरेज निकाला है मेरी को इस गाड़ी ने, जो कि आज शायद आप कोई भी 1.5 लीटर इंजन का गाड़ी का उठाओ पेट्रोल में, वो मुश्किल से वो भी यही दे पाती हैं। तो इससे बेटर है कि मैं इसी पे प्रेफरेंस करूँगा बेचने के फायदे, इसको और 10 साल चलाने की काबिलियत रखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब यार अगर छोटी मोटी गाड़ी लोगे तो 14-15 लाख में आज की डेट में, सोनेट भी आती है भाई यार, टॉप मॉडल उसका 15 का आता है कि नहीं? लेकिन है 5 सीटर, है 5 सीटर, एवरेज 14 का, मतलब यार बहुत जमीन आसमान का अंतर है यार, कोई कैद कोई तोड़ी नहीं है। आप ने जो लेगेसी गाड़ी को लेके बनाई है, शायद ही इस कंपटीशन में इसके लेवल में कोई गाड़ी आ पाए। अगर सेकंड हैंड में जाते हैं इनोवा में ये मॉडल में, आपको 6-7 लाख में मिल जाना चाहिए, क्यों है कि नहीं? मेरे को अभी रीसेल वैल्यू लोग 8 लाख देने के लिए तैयार है। बताइए 8 लाख मिल रही है रनिंग का में, हाँ 1.5-2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई होती तो शायद एक डिफरेंस आ जाता प्राइस में कि हाँ 5-6 लाख देते,
कुछ ज़्यादा होती तो और कम हो जाती, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये गाड़ी के लिए आदमी पैसा देने के लिए रेडी है। भला अभी भी अगर कोई आदमी लेगा तो 5-6 साल तक चला सकता है कि नहीं? 5-6 साल मैं तो कहता हूँ इसको जो ज़िंदगी भर चला सकता है। ये गाड़ी इतना, गाड़ी का इंजन इतना, मतलब कहते हैं ना मस्कुलर इंजन है, लोग उसकी शक्ल पे जाते हैं कि हाँ बहुत ही भोली वाली और बहुत ही शालीनता वाली गाड़ी है, बट नहीं, इसके इंजन के परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे बहुत ही स्मूथ और बहुत ही रिफाइंड इंजन है। 56,000 किलोमीटर के लिए कुछ भी नहीं है, ये 2.5 से 3 लाख किलोमीटर भी चल जाएगी। मेंटेनेंस चाहिए होता है हर 10 लाख, बस मेंटेनेंस आप करेंगे। बात बताइए भाई, आपने अभी तक इसको कितना चला लिया, मतलब हाईवे पे कितना, मतलब बहुत ज़्यादा कितना चलाया गाड़ी को? मैंने इसको टॉप स्पीड पे अभी तक 180 किलोमीटर तक लेके चुका हूँ। उसके बाद मेरी एक ही बार ले आता जयपुर अजमेर हाईवे पे, उसके बाद फिर मैं, हालांकि रनिंग तो नॉर्मली ओवरऑल सिटी में चली है, उसके बाद चेन्नई जा चुकी है, राजस्थान जा चुकी है, हिमालयन पे जा चुकी है, कई जगह जा चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश बोलना चाह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पे जा चुकी है, ठीक है, मनाली वगैरह साइड में, पहाड़ी इलाकों में भी जा चुकी है, और अभी तक मेरे को इसके अगेंस्ट में कोई भी एक सिंगल ड्रॉबैक मेरे को कोई नहीं मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बैक व्हील ड्राइव होती है, फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं होती, तो इसकी पकड़ है सबसे बेस्ट, और कह सकते हैं कैपेबिलिटी जो इसकी है, इसकी रेयर व्हील ड्राइव की, इसकी पकड़ जो होती है ना यार, इनोवा के बारे में कहीं भी आप पूछ लोगे यार, हर कोई मतलब टैक्सी में भी चलती है, नॉर्मल फैमिली वाली भी रखते हैं, तो उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छी गाड़ी ये है। और सेकेंड हैंड भी आपको बहुत प्यारा होता है, पता ही नहीं लगेगा कि ये कोई लोड उठाता है, ओके, पता ही नहीं कि ऐसा कोई इसका पावर पुल लग रहा है या नहीं। आपने एक्सीलेटर भी नहीं दबाना, आप क्लच ही छोड़ दोगे, 7 सीटर की गाड़ी है, फुल लोड में भी बड़ी इजी स्मूथ जाती है। बताइए, मतलब यार बहुत ही अच्छा, ये तो हमारे इनके फैन हो चुके हैं भाई, हमारे भाई ने ये गाड़ी अकेले ने चलाई है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से कोलैबोरेट कर सकता हूँ। भाई तो सब कुछ बता रहे हैं, कोई इन्हीं के हाथ में गाड़ी रहती है पर्सनली, और कोई चलाते नहीं इनके घर में, यही एक ड्राइवर है जो गाड़ी को ले जाते हैं हर जगह, इनके मम्मी पापा नहीं चलाते हैं एक्चुअली, यही चलाते हैं, बड़ी गाड़ी है तो करके। यार एक बात और पूछनी है कि आपने अगर ये गाड़ी लेने गए थे तो आपने और कौन कौन सी गाड़ी इसके कंपैरिजन में की थी, ये आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो पहली बार जो हमने गाड़ी पसंद करी थी शेवरले की बीट करी थी, फिर फादर को कुछ रीजंस के वजह से उसको पसंद नहीं आई, फिर वो डिसकंटिन्यू हो गया, कंपनी इंडिया छोड़ गई। यार शेवरले बीट और इनोवा, मतलब यार ये ऐसे जमीन आसमान? नहीं, एक्चुअली हमारी फैमिली, हम सिर्फ 3 मेंबर, आप सोचिए हम सिर्फ 3 लोगों का मेंबर था उसमें, 2008 की बात है, हम लोग सिर्फ 3 लोग थे, तो हमने सोचा छोटी मोटी कार ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा और अपग्रेड हुए तो इंडिका विस्टा लॉन्च हुई थी, तो हमने कहा हाँ उस समय आ चुकी थी, तो इंडिका विस्टा हमने देखी, मैं कि बढ़िया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर पापा ने बोला कि थोड़ा और रुक जाते हैं, मेरी ग्रेजुएशन वगैरह से स्टार्ट होगी जब लेकेंगे, तो पापा ने सोचा कि एक ऐसी एक MPV गाड़ी देखनी है जो मतलब अपन को किफ़ायती पड़े, मतलब लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, जिसको आके रखने पे कोई घाटा नहीं हो। फिर मॉम ने, मेरी मॉम की पसंद थी कि ये बड़ी वाली गाड़ी चाहिए मुझे, लंबी वाली, तो उनकी पसंद से, मम्मी की पसंद के वजह से पापा ने बोला चलो ठीक है। फिर पापा ने देखा गाड़ी अच्छी है, इसको अपन ओवरऑल वैसे भी चलाएंगे, कहीं भी चलाएंगे, तो हो सकता है कि शायद कभी ट्रैवल पे भी लगे तो हो जाए, कुछ मुनाफा भी हो जाएगा। खेल गए, बहुत सही खेल गए। बिल्कुल, हमने फिर ट्रैवल्स में भी चलाई है, फिर हमने देखा कि अब ज़रूरत नहीं है, गाड़ी इतनी परफेक्ट है, तो हम की ठीक इकोनॉमिकली सब कुछ बढ़िया था, इसलिए हमने फिर फाइनली ये डिसाइड किया, और हमारी वो चॉइस, मम्मी की चॉइस बिल्कुल परफेक्ट निकली। नहीं कर रहे आप, मतलब रिग्रेट नहीं हो रहा किसी नहीं, किसी चीज़ से कोई रिग्रेट ले लिया बिल्कुल नहीं, खुशी होती हम तो, और मतलब कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया सबसे, हाँ यही होना चाहिए, मतलब हमारा पैसा पूरा वसूल हो गया, हमारी लाइफ पूरी इंजॉयबल गई है इसके साथ, जितने भी मोमेंट्स हैं सब अच्छे बने। लेकिन कंपेयर करना चाहिए ना, मतलब जब गाड़ी ढूंढने आ रहे हैं रिसर्च बहुत जरूरी है, उस समय 2008 में इतना रिसर्च वैल्यू कहाँ चलती थी, यूट्यूब भी शायद इतना नहीं उठाता, यूट्यूब भी 2011 से उठा है, है ना, तो उस समय जितना नॉलेजेबल थे हम, तो मेरे को तो 4-व्हीलर में इतना वो शौक नहीं था, मैंने भी बोला पापा बहुत बड़ी है, राउंडेड है, उस समय ये मॉडल, ये वाला जो कट फेस वाला जो मॉडल था उस समय आया हुआ था, 2012 में हुआ था, वरना उससे पहले और पुराना मॉडल था राउंड फेसेस, वो चलता था, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो ये था इनोवा का हमारा टोटल एक रिव्यू, ओनर रिव्यू है जो कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे, लॉन्ग टर्म रिव्यू कह सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म रिव्यू आप कह सकते हैं जो 2012 से गाड़ी है, और तो मैं ही क्या, मैं तो बोलूँगा शायद 90% इंडिया में जितने भी लोग इनोवा ओनर हैं, चाहे वो ड्राइवर को दें चाहे वो खुद चलाएं, शायद ही उनके पास कोई एक आधी ड्रॉबैक निकले, यहाँ तो मैं जानता हूँ शायद ही ना निकले, और जिसके पास होगी तो वो बेचेगा ही नहीं, बेचेगा भी तो शायद मेरे को लग रहा वो अच्छी प्राइस लेके बेचेगा, ऐसे नहीं बेचेगा। तो भाई देख सकते हैं नोवा ऐसी फेमस नहीं है, टोयोटा की जो नोवा ऐसी फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी टोयोटा की सेल्स अगर हम देखेंगे तो डाउन है, थोड़ी सी डाउन है, लेकिन वो एक क्वालिटी कार्स बेचती है, अपने इंडिया में जो मार्केट है उसने एक क्वालिटी कार्स के बीच में बना रखा है। यारिस भी मैं सुन रहा हूँ कि वो डिसकंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि उसकी
जो सेगमेंट में गाड़ियां हैं जो बोलते हैं सेडान होती है ना यार, वो नहीं बिक रही है। लेकिन इनोवा है, इनोवा क्रिस्टा है, फॉर्च्यूनर है, लेजेंडर होती है फॉर्च्यूनर की, यार ये तो ताबड़तोड़ अच्छी बिक रही हैं, इनकी लोग पसंद कर रहे हैं, कस्टमर बन रहे हैं इसके, तो ये चीज़ एक वैल्यू होती है, मोस्ट वैल्यू कार में ये आ जाती है। बाकी आज के लिए इतनी ही वीडियो हमारे पास, बने रहिएगा ऑटो सर्जन के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भाई बेल बटन दबा दो, बोल दो यार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। ओके चलिए, भाई की बात मान लीजिएगा थोड़ी सी, मेरी नहीं तो भाई की बात मानना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।